हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद होने जा रहा है, क्योंकि जो है आपके भाई की काफ़ी टाइम से तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। आपके भाई को हो गया था चिकनगुनिया। और जो है पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि यार कभी चला ही नहीं जाता था। कभी यहाँ दर्द, तो कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर हो गया हूँ, तो इसलिए आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाईजान, यहाँ पे आपके भाई का था चिकनगुनिया का डे वन, और यहाँ मुझे खूब बुखार हो रहा था और साथ में हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। और यहाँ पे मुझे हो चुका था पूरा 1 वीक, जो कि जब भी मैं ठीक नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे मेरी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस पे मुझे मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भाई मैं बॉयल एग्स खाऊँ, ताकि जो है कुछ एनर्जी आ जाए। और यहाँ मेरा साथ देने के लिए इब्राहिम मेरे साथ बैठा हुआ था और ये खूब मेरी खिदमत कर रहा था, और खिदमत करने के साथ साथ मेरे साथ खूब अपनी भी एनर्जी बना रहा था। और मैंने सोचा कि क्यों ना इन मोमेंट्स को भी कैप्चर कर लिया जाए, ताकि आप लोगों को वाकई में लगे कि भाई मुझे वाकई में तबीयत ठीक नहीं थी। तो भाई, यहाँ पे कौन सा बच्चा छुपा हुआ है, ज़रा इसको देखें। तो यार, ये कौन है? ओ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? यार कहाँ गायब है आप, कब से आपका तो दीदार ही नहीं होके दे रहा है, कहाँ थे आप? मैं उधर नमाज पढ़ने गया था। ओ भाई, आज जुम्मा तो इब्राहिम ने भी जल्दी जल्दी मेरे साथ जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है। और जो है अब इब्राहिम कह रहा है कि आज व्लॉग बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इब्राहिम की वजह से आज व्लॉग बनाने लगा हूँ। तो आप बताएं, क्या हाल चाल है आपके, कहाँ गायब थे आप? अच्छा, मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए हम व्लॉग नहीं बना रहे थे। क्या हो गया था मुझे बताओ यार? बुखार हो गया था। देखो यार, इब्राहिम सच बता रहा है, देख लिया आप लोगों ने, इब्राहिम बिल्कुल सच्चा बच्चा है। और क्या हो गया था? और फिर बहुत दिनों बाद सही हुआ है। बहुत दिनों बाद सही हुआ है यार, इब्राहिम बिल्कुल सच बोल रहा है। अच्छा, इधर तो आए आप, इधर तो आए, वहाँ कहाँ बैठे हैं आप? अब तो हम लोगों ने आपको देख लिया है, तो आप जल्दी से इधर आ जाएं भागते हुए। वाह भाई, इब्राहिम का जुम्मे का जोड़ा तो देखो भाई साहब, इसका मतलब सर्दियाँ वगैरह आ चुकी हैं। इब्राहिम ने कोटी छोटी पहन ली है भाई साहब, क्या ही बात है जी। तो एक काम करते हैं, आप मेरे साथ आज लंच करना, आज हम लोग यहाँ ही लंच करेंगे, सही है? तो जल्दी से आप खाना ले आए अपना भी, और आप आज मेरे साथ यहाँ पे लंच करते हैं, आ जाए। ओ वाओ, क्या लेकर आए? आपने क्या पकाया? आप मेरे लिए तो आप खाना लेकर नहीं आए हो, आप सिर्फ अपने लिए लेकर आ गए हो। ये जी हमने क्या पकाया, हमने क्या पकाया, हमने पता नहीं क्या पकाया। लेकिन आपका तो मुझे बोटी तो नजर नहीं आ रही, आपके पास तो आलू है, आप तो बोटी खाते हैं, ये क्या बात हो गई यार? हाँ, बोटी चौकसी खाता हूँ और हड्डी। ओए ओए, हड्डी थोड़ी खा दे, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपकी जो बातें है ना, वो बड़ी कमाल की बात है यार। अब मैं भी अपना खाना लेकर आता हूँ, टेबल को इधर कर लेते हैं भाई, आज तो इब्राहिम भाई साहब और मैं एक साथ खाना खाएंगे। चलो आप इधर बैठिए, मैं भी अब देखता हूँ अपने खाने में, मेरे खाने में क्या है। तो हम देखते हैं हमारे खाने में क्या बना हुआ है। हमारे खाने में भी चावल बने हुए हैं, वाओ। नहीं, इसमें भी बोटी नहीं है, ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। तो भाई, इब्राहिम का भी खाना आ गया और मेरा भी खाना आ गया है, और आप जल्दी से खाना स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, जरा चैलेंज करते हैं कि हम दोनों में से कौन जल्दी जल्दी खाने को फिनिश करने वाला है, देखते हैं इब्राहिम खत्म कर सकता है या फिर मैं खत्म कर सकता हूँ। डन हो गया, चैलेंज कर रहे हो आप मेरे साथ या नहीं कर रहे हो? पहले चैलेंज डन है,
चलो भाई स्टार्ट, 3 2 1 गो। ओए होए, ये तो भाई मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी खत्म करने वाला है ये बच्चा तो यार, मेरे को कि मेरे पास तो इतना सारा खाना बचा हुआ और ये मुझे हरा देगा यार। ओए होए, ये तो वक्का ही जीत जाएगा यार। अभी मैं भी जरा बड़ा सा वाइट लेता हूँ और इसको दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, ये तो वाकई में जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है भाई जान। क्या बात है भाई, तुम तो चाचू को टक्कर दे दी भाई साहब। आप जीतेंगे सबसे पहले। ओए ओए, कह रहा है मैं तो व्लॉग में लगा हूं, कह रहा है भाई जीत जाऊंगा। बिल्कुल भाई इब्राहिम जीतेगा यार। हाँ भाई देखो, ओए होए कमाल हो गया। अब देखेगा मैं क्या करता। ओए होए, देखा आपने ये चीज सवाल। अबे यार मैं तो लूजर हो गया यार, मैं तो लूजर हो गया। हाँ इब्राहिम ने भाई भर के खा लिया, कमाल कर दिया यार। ये लास्ट कमाल, नाइस। चाचू आप तो लूजर हो गए, मेरा तो देखिए आप ही ले। मैं तो लूजर हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम हरा दूंगा। नेक्स्ट टाइम व्लॉग नहीं बनाऊंगा लेकिन आपके साथ रेसिंग करूंगा। अभी व्लॉग के चक्कर में है ना, मैंने खाना खाने में लेट कर दिया और आप बाजी ले गए बेटा। नेक्स्ट टाइम इसको हराएंगे यार। नहीं चाचा, आप नहीं हरा सकते, मैं लेकिन फिर भी भर भर के खाऊंगा। उफ ओ हां जी भाई, तो कर दीजिए, मैं भर भर के खाऊंगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ तोतो के केज एरिया के अंदर और आपका भाई जब से बीमार हुआ है ना तब से ज्यादा रुझान तोतो पे से भी हट चुका है और बस इन लोगों की सफाई करना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि यार इतना ज्यादा पूरी बॉडी में के अंदर पेन होता है कि तोतो को देखने को भी दिल नहीं करता ऊपर आके बाजरा पानी देने को। तो आप ये देख सकते हो कितनी गंदगी हो रही है और अभी तोतों की सफाई वगैरह भी करता हूँ, इनको इनकी प्रोग्रेस भी इंशाल्लाह आपको किसी दिन दिखाएंगे क्योंकि सारे बच्चे देखो माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं और ये देखो कितने खूबसूरत बच्चे आए हैं सारे वाइट वाइट कलर के अंदर और कुछ बच्चे तो बड़े भी हो गए हैं इसके अंदर, ये सारे उड़ हैं यहाँ पर और बस सबको ऐसे अल्लाह वाले छोड़ा हुआ है। तो आओ जल्दी से अभी इसका एरिए को केज एरिए को साफ़ करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।